गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं। हिंदी में हमने पिछली वीडियो में एक नया चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था बकरी दो गांव खा गई। तो आज हमने चैप्टर रीडिंग करी थी, चैप्टर समझा था, चैप्टर हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करा देती हूँ। चैप्टर में था कि एक आदमी था, वो जा रहा था, रोता चिल्ला था, आगरा की सड़कों पर गा रहा था, हाय बकरी दो गांव खा गई, दो गांव खा गई। तो जो लोग थे वो बहुत हैरानी में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बकरी दो गांव कैसे खा सकती है। जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा को याद आया कि ये वही आदमी है जिससे मैं थोड़े दिन पहले मिला था। मैं इसके खेत पर गया था तो इसने मुझे गन्ने का रस पिलाया था, और जब वो आदमी उससे मिला था राजा से, तो उसे नहीं पता था कि वो आगरा का बादशाह है। ठीक है, तो जब वो बादशाह वहाँ पे पहुँचे तो बादशाह ने उनसे बोला बहुत गर्मी है, मुझे गन्ने का जूस पिला दो, गन्ने का रस पिला दो। तो वो गए, तो वो किसान गया और अपने खेत से एक गन्ने का रस निकाल कर लाया। जब वो एक गन्ने का रस निकाल कर लाया तो पूरा लोटा रस का भर चुका था। तो राजा ने पूछा, इतना सारा रस? तो वो बोलता है किसान, हाँ, और ये पता है एक ही गन्ने का रस है। तो राजा ने पूछ तो वो किसान बोलता है, हमारी राजा की नीयत अच्छी है, इस वजह से हमारे एक ही गन्ने में इतना सारा रस निकल आता है। तो राजा ने पूछा, बताओ भाई लगान कितना देते हो, मतलब टैक्स कितना देते हो? तो वो बोलता है, सिर्फ 25 पैसे। तो राजा मनी मन सोचते हैं कि अब मैं आगरा जाकर इसका ना लगान बढ़ा दूंगा। बताओ इतना बड़ा खेत, इतनी सारी पैदा होती है गन्नों की, और गन्नों में इतना इतना रस है। तो राजा ने ये चीज़ मन में ठान ली, मन में सोची, और इसे अपने मन में उन्होंने पक्का कर लिया। फिर वो लोग बात करते रहे, और बात करते करते जब राजा जाने को हुए तो राजा ने बोला, चलो भाई एक लोटा रस और पिला दो। तो जब वो किसान गया तो उसने एक गन्ने का, दो गन्ने, तीन गन्ने, चार गन्ने, बहुत सारे गन्ने निकाले, लेकिन वो लोटा भरा नहीं। जो लोटा पहले एक गन्ने में भर चुका था, इस बार वो लोटा एक गन्ने में क्या, बहुत सारे गन्ने में भी पूरा नहीं भरा। तो वो राजा उसका वेट कर रहे थे, तो राजा बोलते हैं, इतनी देर हो गई आया ही नहीं, जाने कहाँ रह गया। तो जब वो किसान आया तो वो उसका मुँह लटका हुआ था, उसने वो लोटा राजा के हाथ में दे दिया। राजा बोलते हैं, इतना कम रस आया? तो वो आदमी बोलता है, ऐसा लगता है हमारे राजा की नीयत खराब हो गई इस वजह से। तो राजा बोलते हैं, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो वो बोलता है, उन्हें संशय पूर्वक देख के बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन हो, बताइए आप कौन है। तो बोलता है, मैं बादशाह अकबर हूँ। ठीक है, तो वो आदमी बोलता है, अरे मुझे पता ही नहीं था राजा, मैं तो कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया आपसे? तो उन्होंने बोला, नहीं तुमने मुझे गलत नहीं बोला। ऐसा उसने क्यों बोला? क्योंकि किसान ने उसे बोला था कि ऐसा लगता है राजा की नीयत खराब हो गई है, और जहाँ नीयत खराब होती है वहाँ बरकत नहीं होती है। इंसानियत होनी चाहिए इंसान में, ठीक है, मानवता होनी चाहिए। तो ऐसी बातें जब बोली तो राजा बोलते हैं, ऐसा लगा कि किसी ने मुझे आसमान से उठाकर धरती पर पटक दिया। लेकिन वो तो आदमी जानता ही नहीं था ना कि वो राजा है। ठीक है, जब उसे पता चला तो उसने माफ़ी मांगी, लेकिन वो राजा बोलते हैं कि तुम एक पहले इंसान हो जिसने मुझे किसी चीज कोई अच्छी चीज़ बताई है, और जो मेरे समझ में आई है, वरना बड़े बड़े विद्वान भी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। फिर वहाँ पे एक पीपल का पत्ता गिरा हुआ था, राजा ने उस पीपल के पत्ते को उठाया, उस पर लिखा कि मैं तुम्हारे नाम दो गांव कर रहा हूँ। दो गांव का मतलब होता है बच्चों कि दो गांव का पूरा लगान, अब जितना भी आएगा, जितना भी टैक्स आएगा उस पूरे दो गांव का, वो कौन कलेक्ट करेगा? वो किसान कलेक्ट करेगा, और उस गांव के जितने भी टैक्स आएंगे उस किसान के पास, वो किसान उसे खर्च कर सकता है, उसे अपने घर में यूज़ कर सकता है, मतलब कोई भी चीज़ वो कर सकता है उस पैसे से। अब वो किसान के पैसे हो गए, तो किसान कौन बन गया? ज़मींदार बन गया। ठीक है, तो राजा वहाँ पे उस पत्ते पे लिखकर ऐसे चले गए कि मैं तुम्हारे नाम दो गांव कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब आप ऐसा करना, दो दिन दिन में, मतलब आप आगरा आना, तो इस जो ये मैंने हुक्म दिया है इसको आप पक्का करा लेना। फिर राजा भी चले गए, वो भी अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद वहाँ पे बकरी आई और बकरी उस पत्ते को खा गई। जब उस राजा किसान का ध्यान गया वहाँ पर, तो किसान ने बोला, अरे वो पत्ता कहाँ गया? तो उसको ध्यान में आया कि बकरी थी जो वो पत्ता खा गई। वो पूरे गांव में चिल्लाता हुआ गया और बोलता है, बकरी दो गांव खा गई, बकरी दो गांव खा गई। और जब वो किसान आया दरबार में, तो राजा बोलते हैं, अरे भाई हमें याद है, बकरी ने नहीं खाए दो गांव, अब इसे पकड़ो। और उन्होंने, वो क्यों चिल्ला रहा था? वो इस डर में था कहीं राजा भूल ना जाए कि उन्होंने मेरे नाम दो गांव किए थे ये सब। तो उन्होंने हुक्म दिया अपने दरबार में कि लो इनके नाम दो गांव कर दो, और ये कागज़ पे पक्का करके उन्होंने कागज़ उन्हें दे दिया।
तो फिर वो जब वो जा रहा था वहां से, तो किसान उनसे वो राजा उनसे बोलते हैं कि लो भाई लो, अब इस जो ये हुक्म है इसको इसको संभाल के रखना, कहीं इसको बकरी से बचाना, कहीं इसको फिर से बकरी ना खा जाए। तो पूरा दरबार वहां से कह कहूँ से गूंज पड़ा, सब लोग हंसने लगे। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टोरी का थोड़ी सी समरी। अब हम इसको अब आगे हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी पे भी करने हैं। चलिए, पहले क्या है आश्चर्य। आश्चर्य होता है बच्चों हैरानी, सरप्राइज। किसी भी चीज़ को हम हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं आश्चर्य, हैरानी या फिर सरप्राइज। आपको इंग्लिश मीनिंग भी अपनी कॉपी पे लिखने हैं। अब दे रखा है नियत। नियत होती है मंशा, इरादा। देखा ना, राजा के इरादे पहले कितने अच्छे थे और फिर उसके इरादे बदल गए, तो उसको बोलते हैं नियत। राजा राजा की नियत अच्छी थी, फिर नियत खराब हो गई, फिर नियत अच्छी हो गई। तो मंशा मतलब मोटिव, इरादे मतलब इंटेंशन। अब है गन्ना। गन्ना मतलब होती है ईख। गन्ना मतलब आपको पता है क्या होता है, शुगर केन। अब है संशय। संशय मतलब होता है संदेह, डाउट, कि मुझे डाउट है आपकी कोई भी चीज़ पे। कहते हैं ना, मुझे मैम डाउट आ रहा है, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो उसको बोलते हैं संशय, संदेह है। इंतज़ाम। इंतज़ाम मतलब होता है व्यवस्था, अरेंजमेंट। मैम मैं अरेंजमेंट कर देती हूँ सीट्स का, मैं इंतज़ाम कर देती हूँ, मैं व्यवस्था कर देती हूँ। तो अरेंजमेंट बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, उसका हिंदी मीनिंग भी क्या होता है, इंतज़ाम या फिर व्यवस्था। किस्सा। किस्सा मतलब कथा, कहानी, स्टोरी। आगे है कमाल। कमाल मतलब चमत्कार, मिरेकल। लोग पूछे ना, अरे तो कमाल ही हो गया, बकरी दो गांव कैसे खा सकती है, इस तरीके चमत्कार ही हो गया, मिरेकल हो गया। लगान मतलब होता है भूमिकर, लैंड टैक्स। जिस लैंड पे आप रह रहे हो या जिस लैंड पे आप खेती कर रहे हो उसका आपको टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं लैंड टैक्स, लगान। इंसानियत। इंसानियत का मतलब होता है मानवता, ह्यूमैनिटी। लालच। लालच मतलब होता है लोभ, ग्रीड। कहते हैं ना ग्रीडी पीपल है ये बहुत लालची है, इसको हर चीज़ का लालच आ जाता है। अब क्या है हुक्म। हुक्म मतलब होता है आज्ञा, ऑर्डर। मैंने किसी को ऑर्डर दिया ये काम करने का, उसको बोलते हैं हुक्म देना। क्या है आमदनी। आमदनी मतलब होता है आय। आय मतलब इनकम, ठीक है। अब है भोलापन। भोलापन होता है सीधापन, मतलब वो जो किसान था वो कितना सीधा था, उसने कुछ भी इधर उधर का नहीं सोचा, उसने बोला मैं सीधा जाऊंगा, बोल दूंगा बकरी दो गांव खा गई, ठीक है। उस आपने देखा पूरी स्टोरी में किसान ने थोड़ी सी भी चालक मतलब चालूपन दिखाई हो, चतुराई दिखाई हो, नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो भोलापन होता है सीधापन, मतलब इनोसेंस। अभी आप ये शब्दार्थ थे, ये आपको अपनी कॉपी पे करने हैं, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, उसका एक पार्ट आपको अपनी कॉपी पे करना है, वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे। तो बच्चों अभी हमने शब्दार्थ पढ़े, आगे है आपका पार्ट बोध, अभ्यास, एक्सरसाइज। उसमें लिखा हुआ है मौखिक अभिव्यक्ति, तो उसका फर्स्ट है प्रश्नों के उत्तर बताएं। तो ये आपके प्रश्न उत्तर हैं, ये मैं आपको समझा रही हूँ, आपको एज इट इज़ अपनी कॉपी में से उतारना है। पहला क्वेश्चन क्या है, आगरा के लोग किस बात से आश्चर्य में थे, मतलब आगरा के लोग किस बात से उन्हें हैरानी थी, ठीक है। तो इसका आंसर है, एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता हाय बकरी दो गांव खा गई घूम रहा था। मतलब एक आदमी था जो, तो आपको पता है वो किसान था, जो आगरा की सड़कों पर चिल्लाता हुआ आ रहा था और क्या कहकर घूम रहा था, हाय बकरी दो गांव खा गई, हाय बकरी दो गांव खा गई, ऐसा वो घूम रहा था चिल्लाते हुए। तो आगरा के लोग इसी बात से आश्चर्य में थे कि भला एक बकरी दो गांव कैसे खा सकती है, एक बकरी दो गांव क्या, गांव ही कैसे खा सकती है। तो यहाँ पे आप दो को कट कर दीजिए, एक बकरी गांव कैसे खा सकती है, बताइए। एक बकरी खेत में जा सकती है, कुछ कर सकती है, लेकिन गांव कैसे खा सकती है। तो जो लोग थे वो इसी बात से आश्चर्य में थे। दूसरा क्वेश्चन है, पहली बार कितने गन्नों के रस से लोटा भरा। पहली बारी में जब वो गन्ने का लोटा लेकर आया, वो सॉरी रस का लोटा लेकर आया, तो कितने गन्ने का रस था, वो एक ही गन्ने का रस था। तो क्या लिखा है, पहली बार एक गन्ने के रस से लोटा भरा। दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, दूसरी बार लोटा क्यों नहीं भरा, दूसरी बार लोटा क्यों नहीं भरा। दूसरी बार बादशाह की नीयत बिगड़ गई, इसी वजह से लोटा दूसरी बार नहीं भरा। आपको तो पता है अभी मैंने क्वेश्चन आपको है ना समरी आपको रिवाइज करवाई थी, तो उसमें मैंने क्या बताया था, दूसरी बार लोटा इसलिए नहीं भरा था क्योंकि राजा ने मनी मन सोच लिया था कि वो आगरा पहुंचते ही उसका लगान बढ़ा देंगे, इस वजह से। तो उसने बोला था मेरे राजा की नीयत बिगड़ गई, तो दूसरी बार बादशाह की नीयत बिगड़ गई, इसी वजह से दूसरी बार लोटा नहीं भरा। आगे है, बादशाह ने किसान की किस बात से क्या नसीहत ली।
तो जहाँ तो जो किसान था उसने क्या बोला था कि जहाँ नीयत अच्छी है वहीं बरकत होती है, ठीक है, भंडार भरा रहता है, भंडार मतलब पैसा आता रहता है आता रहता है। लालच और छोटापन, लालच मतलब मैंने आपको बताया ना ग्रीड, लालच और छोटापन आदमी को क्या बना देते हैं, कभी सुखी नहीं बनाते। अगर आप लालच करोगे और छोटापन दिखाओगे, मतलब ऐसे दिखाओगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, और आपके पास होगा सब कुछ लेकिन आप ऐसे दिखाओगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मतलब लालच और छोटापन आदमी को क्या करते हैं, कभी भी सुखी नहीं बनाते। तो बादशाह ने किसान की बातों से यही नसीहत ली। फिर से पढ़ते हैं, जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है, लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। बादशाह ने किसान की बातों से यही नसीहत दी। आगे क्वेश्चन है आपका, बादशाह ने किसान को किस प्रकार सावधान किया। जो बादशाह थे उन्होंने किसान को कैसे सावधान किया जाते समय, तो बादशाह ने किसान को यह कहते हुए सावधान किया कि इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। तो बादशाह ने एक छोटा सा मजाक किया था जब वो जा रहा था वहाँ से दरबार से, तो उन्होंने बोला था इस बार गाँव को बकरी से बचाना। चलिए बच्चों, तो अभी आपको कॉपी पे क्या करना है, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर मैं आपको वो लिखवाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।